and I'm up through the night. तो बड़ा ही मजा आने वाला है उसका रिएक्शन देखिए, तो बने रहिए मेरे साथ। वाह श्रेया, ये देख कितने प्यारे प्यारे बैंगल्स। हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम, केम छो, कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो फ्रेंड्स, आज मैं जा रही हूँ अपनी करवा चौथ की शॉपिंग करने और अभी मैं बहुत जल्दी में हूँ, इसीलिए मैं आपसे चलते चलते बात कर रही हूँ। फिलहाल मैं लिफ्ट का वेट कर रही हूँ। एक्चुअली क्या हुआ ना, मेरी फ्रेंड और मैंने रात में प्लान किया कि हम जाएंगे शॉपिंग करने के लिए, बट उसकी जो तबीयत थी थोड़ी ठीक नहीं थी, तो उसको एक मन आ रहा था कि मैं चली जाऊँ, शॉपिंग करके आ जाती हूँ, करवा चौथ की बात है भाई, सारा सामान होना ही चाहिए। एक तरफ वो ये भी सोच रही थी उसकी हेल्थ डाउन है तो उसे जाना चाहिए कि नहीं बाहर, तो ये सब उसके दिमाग में चल रहा था। तो उसकी बातों का मुझे बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा, क्योंकि वो बार बार प्लान चेंज करी थी, कभी कहती चलते हैं, कभी नहीं चलते हैं। तो मैं अपने ब्लॉग के थ्रू आपको बस ये बताना चाहती हूँ कि हम लेडीज़ में कितना ही ज़्यादा होता है ना क्रेज़ की करवा चौथ सेलिब्रेट करना है और सारा बहुत अच्छी तरीके से हो, अच्छा सारा सामान हमारे पास होना चाहिए, हम अच्छे से रेडी हों। तो उसकी तबीयत ख़राब होने के बावजूद वो बोल रही है कि नहीं मैं जाऊंगी शॉपिंग करने के लिए। तो ये होता है प्यार अपने पति के लिए, करवा चौथ रखने के लिए। तो उससे जब सुबह सुबह कहा ना कि हमें मॉर्निंग में चलते हैं शॉपिंग के लिए, अब मैं अच्छा फील कर रही हूँ। और फिर मैंने जल्दी जल्दी घर का सारा काम किया और उसने मुझे बहुत परेशान किया है, तो मैं उससे बदला लेने वाली हूँ बहुत प्यारा सा। हाँ श्रेया, हाँ, तुम आ जाओ रिसेप्शन में आ जाते हैं ना। हाँ, ठीक है, वहाँ पे आके मुझे मैसेज करो। हाँ ठीक है, ओके बाय। फिलहाल मैंने उसे फ़ोन करके बोल दिया रिसेप्शन पे आने के लिए, और जब वो मुझे मैसेज करेगी कि मैं आ चुकी हूँ तब मैं उसको बोलूँगी कि यार आज मन नहीं कर रहा है यार, तबीयत ठीक सी नहीं लग रही है। तो बड़ा ही मज़ा आने वाला है उसका रिएक्शन देखिए, तो बने रहिए मेरे साथ। और आज मैं आप लोग को दिखाने वाली हूँ मैं किस तरीके से यहाँ शॉपिंग करती हूँ करवा चौथ की। यहाँ बहुत अच्छी अच्छी शॉप्स हैं और मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ सारा सामान खरीदने के लिए। तो चलिए, वो रिसेप्शन पे आ चुकी है और हम लोग चलते हैं, देखते हैं कि वो क्या कर रही है। मैं चुपके से कहीं से उसे देखती भी रहूँगी और फिर उसे कॉल करूँगी। देखिए, उसका मैसेज भी आ गया। आप लोग भी देखिएगा कितना मज़ा आने वाला है उसका रिएक्शन देख के। श्रेया, कहाँ हो तुम? बैठी हुई हो यार, एक्चुअली मेरी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं लग रही है, तो आज मैं सोची आज रहने देते हैं यार, कल चलते हैं। तुम्हारा दिमाग खराब है, तुम बैठी हुई हो और मेरी तबीयत खराब थी और तुम बोल रही हो कि तुम्हारी तबीयत खराब है। हाँ यार, क्या करूँ अचानक, यार क्या करूँ अचानक से ऐसा हो गया ना यार, ये तो गलत बात है यार। जल्दी अरे ये नहीं तुम मेरे को कल रात से परेशान कर रही थी, तो मैंने सोचा आज मैं तुमको परेशान करती हूँ। नीचे आराम से वेट कर रही हो और तुम ऐसे कर रही हो, प्रैंक कर रही हो मेरे साथ। हाँ अच्छा, हाय तो कर दो मेरे सब्सक्राइबर्स को। हाय, वी आर गोइंग टू ब्रिक फील्ड, लिटिल इंडिया। ये अच्छा लग रहा है। गजरे डिफरेंट टाइप्स के के कलेक्शंस बहुत ही प्यारी प्यारी हैं। और देखिए बड़ी बिंदियों के कलेक्शंस कितने सुंदर हैं, पर बड़ी बिंदियाँ मुझ पर सूट नहीं करती है तो मैं ले नहीं पा रही हूँ, पर ये मुझे बहुत अच्छी लगी। ये देखो छोटे बच्चे की फ्रॉक कितनी क्यूट सी है ना, डिजाइन है। यहाँ पे साड़ियाँ देखो ऐसी ही मिलती हैं, बहुत अच्छी नहीं होती हैं, बट इनके जो कॉस्ट होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा होते हैं। नहीं श्रेया जो है अपने हस्बैंड के लिए अभी कुर्ते चूज़ कर रही है और उसे पसंद ही नहीं आ रहा है क्योंकि इसकी साड़ी है पीच कलर, और पीच कलर यू नो लड़के पिंक टाइप ही लगता है ना, वो पहनना पसंद नहीं करते हैं, तो बहुत कंफ्यूजन हो रही है हम लोग को। यहाँ पे इस टाइप के करवे हैं और हमने दिवाली का भी ले लिया यहाँ से। फाइनली यार थक गए, कितनी शॉपिंग की ना, कितनी ऐसा लग रहा है कुछ आ गया। अब यार कुछ ना कुछ तो लगा ही रहेगा। लिया ना, इतना एंजॉय करा, इतना सब कुछ मिल गया हमें। कितनी वैरायटी ऑफ चूड़ी थी ना, कितनी प्यारी प्यारी चूड़ियाँ हमने देखी और बहुत सारी ली है हमने। दिवाली की भी शॉपिंग हमने करवा चौथ में ही कर ली है। तो ऐसे हम लोग शॉपिंग करते हैं यहाँ पे सारे फ्रेंड्स मिलके। करवा चौथ भी हम दोनों एक साथ ही मनाएंगे छत पे और रेडी होके। और श्रेया ने तो हस्बैंड के कुर्ता भी लिया है इसने, तो मतलब पूरी ज़्यादा तैयारी कर रखी है इसने तो। और मेरे पास ऑलरेडी था तो मैंने नहीं लिया है वो पेन के लिए। पता नहीं पसंद आएगा या नहीं पसंद आएगा, देखते हैं, लेट्स सी पसंद आता है कि नहीं। अगर आपको देखना है तो नेक्स्ट ब्लॉग में देखने को मिलेगा ना। पसंद आया होगा तो उसको पहने होंगे करवा चौथ में। तो हमारी पूरी तैयारी हो गई है और जो भी मैंने शॉपिंग की है वो आपको मिलेगा देखने को करवा चौथ के दिन ही। सो आई होप आप लोगों को हमारी शॉपिंग बहुत अच्छी लगी होगी। जल्दी ही मिलूंगी आपको अपने नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। टिल देन गुड बाय एंड डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल व्हिच इज जे ब्लॉग।